अंधा कानून नहीं चलेगा। ड्राइवर यूनियन। नमस्कार, मैं हूं नागिनी साध, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज। इस वक्त मैं गोबरा नावपारा के बस स्टैंड में मौजूद हूं और यहां पे आप देख सकते हैं जो है ड्राइवर संघ के द्वारा यहां पे करीबन 3 दिन का हड़ताल यहां पे जो है पूरे प्रदेश भर में यहां पे आयोजित की गई है। क्या इनकी मांगे हैं, क्यों ये हड़ताल कर रहे हैं, आइए पूरी जानकारी हम जो ड्राइवर संघ के अध्यक्ष हम लेते हैं। जी भैया बताओ कि आप लोग क्यों आप लोग जो है हड़ताल में बैठे हुए हैं। जो शासन का हमारी शासन का जो नया फरमान है, हाँ। 10 साल सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना, हाँ। आज हम लोग उस कानून को वापस के लिए ये सब मांगे रखे हुए हैं, हाँ। हम एक ड्राइवर 10 रुपए महीने का कमाते हैं, हाँ। उसमें हम लोग ये सब चीज कहाँ कर पाएंगे। हमारे पास लाइसेंस है, गवर्नमेंट लाइसेंस दिया हुआ है, तभी तो हम लोग गाड़ी चला रहे हैं आज, है ना। लेकिन सरकार का ये कहना है कि ड्राइवर को 10 साल का सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना, है ना। तो हम गरीब आदमी, अगर हम जेल जा रहे हैं तो हमारे परिवार की सरकार क्या गारंटी लेता है? हमारे परिवार है हमारे पीछे, उसकी सरकार क्या गारंटी ले रहे हैं? हम उसे यही जानना चाह रहे हैं। तो ये जो कानून है, सरकार उनको वापस लिया जाए, ये हमारी मांगे हैं। जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगा, हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे। यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप लोग के संग में कितने जो है ड्राइवर आप हैं? हम लोग 80 गाड़ी चलते हैं, 80 ड्राइवर हमारे संग में हैं, 80 कंडक्टर हैं, 80 हेल्पर है हमारे साथ में, सब हमारे साथ में। लेकिन ये कानून हम है ना हमारे समझ में नहीं आ रहे हैं। और आज ये सिस्टम है कि आज हम सही गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन हर एक बाइक वाला आज शेर है, हर एक बाइक वाला दारू पी के बाइक चलाता है। जहां भी हो ड्राइवर कंडक्टर को मारना, गांव में रोक के मारना, गाड़ी के पीछे लगा के बाइक को चलाना, तो उन लोग के चीज में क्या है ना? आज बाइक वाले इतना गलत चलाते हैं रोड पे, कार वाले हो, बाइक वाले हो, है ना, तो सिर्फ ये हम ड्राइवर के लिए क्यों लागू हो रहे हैं? ये अगर सिस्टम है तो बाइक से लेके, कार से लेके, प्राइवेट गाड़ी से लेके, सब चीज के लिए लागू होना चाहिए। हम अकेला ड्राइवर नहीं है, है ना, जिसके लिए ये प्रावधान जो लागू हो रहे हैं। आज हम सही गाड़ी चला रहे हैं, बाइक वाला दारू पी के आ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं ड्राइवर कंडक्टर को, उसके बाद में बीच रोड में रुक के, गाँव में रुक के पूरे गाँव वाले मार रहे हैं, है ना। सरकार का बोलना ये है कि आप एक्सीडेंट करोगे तो उस आदमी को उठा के लेके जाओगे। तो हम अगर एक्सीडेंट करेंगे तो हम व्यक्तिगत एक्सीडेंट तो नहीं करना, अगर सरकार का ये बोलना है, अगर हम उसको उठाने जा रहे तो पूरा गांव वाले हमको जान से मार देंगे, तो हमारे परिवार के लिए क्या प्रोटेक्शन है? अगर हम वहाँ मर रहे हैं तो हमारे परिवार के लिए क्या चीज़ है? हम अमित शाह जी से बोलना चाह रहे उस चीज़ को कि हमारे, अगर हम चलो एक्सीडेंट हमारे से हो रहा है, हम अगर उस आदमी को उठाना चाह रहे हैं तो पब्लिक आज उस आदमी को उठाने से ज़्यादा सक्षम यह है सिर्फ ड्राइवर को पकड़ के मारो। तो आज वो ड्राइवर को अगर मारता है तो मेरे परिवार वाले कहाँ जाएंगे? अगर मैं, मेरे में अगर मृत्यु वहाँ हो जाता है तो मेरे ऊपर क्या लागू है? अगर ड्राइवर को पूरे पब्लिक मार रहा है, अगर ड्राइवर मर जाता है तो क्या ड्राइवर को 50 लाख रुपये का इंश्योरेंस गवर्नमेंट दे रहा है? उसके परिवार को कोई कुछ मिल रहा है, है ना? उस चीज को भाजपा सरकार को सोचना चाहिए। आज हम लोग सवेरे से बैठे हैं यहाँ, हमारे पास ना कोई विधायक आया है हमारे क्षेत्र का, ना कोई मंत्री आया है, ना कोई हमारा हाल चाल जानने नहीं आया है। आज ड्राइवर कंडक्टर संघ में हम लोग 200 आदमी आज हैं, लेकिन हमारे बीच में आज कोई आदमी नहीं आया है, है ना। ये हमारा व्यक्तिगत लड़ाई है, ड्राइवर कंडक्टर संघ के बीच में चल रहे हैं। सरकार को चीज तो सोचना चाहिए, भाजपा सरकार को हम खुद वोट दिए हैं, हम जानते हैं कि हमारे लिए मोदी सुरक्षित है, सब चार्ज के हम लोग वोट दिए हैं, हमारा यूनियन चलता है, यूनियन से बात करके हम लोग वोट देते हैं। लेकिन आज हम लोग यहाँ से सवेरे से भूखा प्यासा बैठे हैं, हमारे बीच में कोई भाजपा का कोई विधायक नहीं आया है आज, ना कोई मंत्री और कोई नेता हमारा हालचाल पूछे नहीं आया है। अगर आप लोग की कानून की वापसी अगर नहीं होती है तो आप लोग की आगामी जो रणनीति क्या रहेगी? आगामी रणनीति यही रहेगा कि हम लोग मालिकों को गाड़ियों का चाबी दे चुके हैं और गाड़ी हम लोग आगे नहीं चलाएंगे,
हम लोग गाड़ी आगे नहीं चलाएंगे, मतलब नहीं चलाएंगे। आज हम लोग सवेरे से बैठे हैं, भाजपा सरकार का हमारे पास न एक विधायक आया न एक मंत्री आया, आज कोई नहीं आया है ना। हम चंदन लगा के बैठे हैं, आज भाजपा सरकार का समर्थन हम करते हैं और हमारे पूरे यूनियन भाई के लोग करते हैं, और तभी आज सरकार हम जिताए हैं। लेकिन आज सरकार को हम ना हमारे तो आप लोग आप को, हमारा कोई हमारे क्षेत्र के विधायक को हमारा कोई ऐसा ये नहीं रहा जो वो हमारे आगे हाल चाल पूछ सके। हम लोग यहाँ भूखा प्यासा बैठे, सवेरे से शाम हो गया, हमारे पास ना कोई मंत्री आया ना कोई विधायक आया है ना। तो ये जो काला कानून है सरकार को बंद करना है, और हम लोग वही बैठे हैं। अगर हमारा आज मांग पूरा नहीं हुआ तो आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग का रहेगा। ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये थे ड्राइवर यूनियन के लोग जिन्होंने अपनी बात रखी। अब देखने वाली ये बात ये है कि इनका जो हड़ताल है वो कब तक जारी रहेगा, जिससे जो है लोग जो है काफी परेशान हैं, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जो है बस ड्राइवर और विभिन्न प्रकार के जो ड्राइवर संघ हैं उनके द्वारा जिस प्रकार से यहाँ पे जो है हड़ताल पे हैं, हड़ताल पे जाने से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार से जो है पेट्रोल टंकी में जो है बड़े पेट्रोल टंकी में जो है पेट्रोल आना बंद हो चुका है, साथ ही विभिन्न प्रकार की समस्याएं निर्मित हो रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में क्या इनकी मांगों को सरकार विचार करती है और क्या इनकी जो कानून बनाए कानून को रद्द करती है ये नहीं करती, ये आने वाले समय में देखा जाएगा। धन्यवाद। मैं हूं नागिनी साथ।